हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करेंगे मॉर्फन लैब लेबोरेटरी से रिलेटेड। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि हमने इस पर्टिकुलर शेयर में ट्रेडिंग करी है, हमने काफ़ी लोगों को ये शेयर बता रखा है, तो इसलिए याद रखिएगा बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र खुद की स्टडी करना है ना। और हमने जब भी यहाँ पर ट्रेडिंग करी थी, अच्छा खासा यहाँ पर पैसे बनाया और यहाँ से निकाला है, ठीक है ना। और सही टाइम पर खरीद के सही टाइम पर बेचा है, जो हम यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है हम यहाँ पर करते रहते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, ऑलरेडी शेयर अच्छा खासा भागा है, अभी क्या जूस बाकी है, यहाँ पर गिरावट होगी क्या होगा उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। बट आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस शेयर से रिलेटेड मैं आगे बात करूँ और जाने, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, चीजों को समझिएगा सीखिएगा, और हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को स्टडी करना है, चीजों को सीखना है, और सीखने के लिए क्या है आपको वीडियोज देखनी है। जितनी वीडियोज देखोगे आपको यहाँ पर चीजें समझ में आएगी कि किस तरीके से यहाँ पर चीजें काम करती हुई नजर आती है। इसके अलावा आपको बारीकियां सीखनी है कि यहाँ पर किस तरीके कब लेना है, कब बेचना है, कैसे यहाँ पर चीजें काम करती हुई नजर आती है, ठीक है। तो आप हमारे कोर्स बेसिक टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च फंडामेंटल, कब लेना है, कब बेचना है, क्यों लेना है, क्यों बेचना है, ये कोर्स है पूरा डिजाइन किया गया इस तरीके से कि जहाँ पर आपको थ्योरी नहीं बताई जाती, प्रैक्टिकल बताया जाता है कि प्रैक्टिकल किस तरीके से किया जाता है। 25,000 रुपये का कोर्स है, एनरोल कर सकते हो। 1 जनवरी 2025 से इस कोर्स की 50,000 हो जाएगी। 3 मंथ्स की एनरोलिंग अभी दी जा रही है। 8868605401, 8169261037, दोनों नंबरों को सेव कर लीजिए, बेसिक टू एडवांस हमारे इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मॉर्फन लैब की हम बात कर रहे हैं। तो मॉर्फन लैब करता क्या है, आपने नाम सुना होगा इस कंपनी का, है ना। ये मैन्युफैक्चरिंग, प्रोड्यूसिंग और डेवलपिंग एंड मार्केटिंग वाइड रेंज ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स एपीआई बनाते हुए नजर आती है, जेनरिक फॉर्मुलेशन ऑल्सो द होम हेल्थ प्रोडक्ट भी बनाती हुई नजर आती है। आप जाइए इनकी वेबसाइट पर, इनकी वेबसाइट पर जैसे ही जाएंगे आपको यहाँ पर चीजें समझ में आ जाएगी ये कंपनी एग्जैक्टली है क्या। यहाँ पर देखिए बीपी मशीन हो गई, है ना, तो अलग अलग ये प्रोडक्ट्स बनाती हुई नजर आती है, एपीआई बनाती हुई नजर आती है। तो अच्छा खासा बिजनेस है और अच्छा खासा नामी गिरामी इनका क्या है, नाम भी है और काम भी है। 82+ कंट्रीज में काम करती है, 4 फैसिलिटीज है, 800+ प्रोडक्ट्स है, 3,100+ एम्प्लॉयज है, 100 मिलियन+ कंज्यूमर है एक तरीके से इनके, ठीक है ना। तो अच्छा खासा काम है। बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, 5,269 करोड़ रुपीज के आसपास। मतलब स्मॉल कैप कंपनी है, जब मैं स्मॉल कैप की बात करूँ तो हमारी एक्सपर्टीज इसमें है क्योंकि हमारे चैनल का नाम भी यही है, इसलिए आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर, तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी जब बात करूं मैं स्मॉल कैप की, तो याद रखिएगा जब चीजें भागती है तो बड़ा अच्छा नजर आता है कि चीजें यहाँ पर अच्छा खासा कुछ ही दिनों में यहाँ पर देखिए कितना पैसे दे दिए, है ना। बट जब गिरती है तो इस चीज को भी याद रखिए कि जब चीजें गिरती है तो आपके जैसे 200 रुपए वाला शेयर कब कम में यहाँ पर आपका, सॉरी 60 रुपए वाला शेयर कब कम में यहाँ पर 25 रुपए हो गया, वो भी आपको यहाँ पर पता चलता हुआ नजर आता है, जो हम आगे भी यहाँ पर देखेंगे। दूसरी बात करें 44 का यहाँ पर स्टॉक का पी है, इसका पी इंडस्ट्री का पी 40 का है। तो अब धीरे धीरे महंगा होता हुआ नजर आ रहा है, बट पी के बेस पर कभी काम नहीं करते, मैं हमेशा कहता हूँ, बट पी को इग्नोर भी नहीं करना। आरओसी आरओई की बात करें कुछ खास यहाँ पर नजर नहीं आती, तो यहाँ पर क्या करना है, सही टाइम पे लेना है, सही टाइम पे बेचना है, वही मैं हमेशा सिखाता हूँ, वही मैं पढ़ाता हूँ और वही मैं करता हूँ। तो इस चीज को आप चाहो तो इन नंबरों को नोट करके एनरोल कर सकते हो, साथ में काम करना है तो भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, डेट फ्री शेयर, ठीक है, किसी तरीके का डेट नहीं है, 2 रुपए की यहाँ पर फेस वैल्यू है, डिविडेंड कंपनी देती नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आगे बात करें तो आपको समझ में आएगा थोड़ा नंबर की तरफ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी के नंबर धीरे 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 करके एक साइड वेज में थे, फिर आगे चल के बढ़ते हुए नजर आते हैं। पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी अच्छा खासा प्रदर्शन कर रही है, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट सब कुछ दिखाती हुई नजर आ रही है, और अच्छा खासा 11-11% के आसपास का मार्जिन भी शो कर रही है। ईयरली बेस पे बात करें कंपनी का, ईयरली बेस पे परफॉर्मेंस अच्छा खासा है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखेंगे घाटे से कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट में आती हुई दिखाई दे रही है। और चीजों की अगर आप बात करें तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कंपनी के जो बैलेंस शीट है, रिजर्व्स, कंपनी के रिजर्व 745 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे कंपनी का 24 करोड़ रुपए वर्किंग प्रोग्रेस में, 29 करोड़ के आसपास की बोराइंग है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कंपनी के 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, कैश की बात करें 52 करोड़ रुपए का कैश है, पॉजिटिव कैश फ्लोज है। तो सब चीज क्या नजर आती है यहाँ पर, अच्छी नजर आती है। और चीजों को देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो, यहाँ पर आपको पता चलेगा QIP के थ्रू यहाँ पर 5 अगस्त के लगभग 52 रुपए के प्रीमियम पे यहाँ पर अच्छे खासे पैसे, यहाँ पर आप देखेंगे प्रीमियम 52
0.37 पर शेयर, और QIB परस्यूट QIP किया गया था यहाँ पर, तो इस चीज को यहाँ पर आप चाहो तो पढ़ लेना, आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें, 38% के आसपास जून में थी, अगस्त में मतलब 2 महीने के अंदर अंदर इन्होंने कम कर दिया, 3% की हिस्सेदारी लगभग बेचते हुए नजर आया, 2.5% की। और यहाँ पर देखोगे तो आपको समझ में आएगा, FIs ने जब के खरीदारी करी 1% से सीधे 7%, DIS की होल्डिंग की बात करें 2%, पब्लिक की बात करें तो 53% की होल्डिंग यहाँ होती हुई नजर आई है। मतलब क्या है, पब्लिक में भी यहाँ पर माल बेचा है, तो पब्लिक ने बेचा, प्रमोटर्स ने बेचा, और FIs ने यहाँ पर उस शेयर को खरीदा। मॉर्पन लेबोरेटरीज ने इस पर्टिकुलर क्वार्टर में 1.0 कुछ नहीं है, यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर हुआ डेट से। ठीक है, आप और चीजें देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलॉटमेंट वगैरह, आप ये पुरानी डील्स है ठीक है ना, आप बाइंग सेलिंग ये चलती रहती है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, और यहाँ पर आप देख सकते हो इनसाइडर ट्रेडिंग क्या हो रही है, तो वो सारी का सारा आपको डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल हम बात करें, शेयर अच्छा खासा मूव किया है, अच्छा खासा यहाँ पर पैसे बनाए, ये सब चीज आप देख सकते हो। अब क्या चार्ट क्या कह रहा है, क्यों, क्योंकि चीजें अब थोड़ा सा अलग नजर आती है, और मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर कुछ होता हुआ नजर आ सकता है, तो उसी चीज से रिलेटेड हम यहाँ पर बातें करेंगे, जानेंगे इसके चार्ट से रिलेटेड। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट और नोटिफिकेशन को, बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन है, चीजों को सीखना है, नंबरों को नोट करना है, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। चार्ट की बात करें, ऑलरेडी शेयर अच्छा खासा भागा है, ठीक है, हम यहाँ पर इसे 33 38 33 रुपीज से बताते आ रहे, ठीक है, यहाँ पर से शेयर ने अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई है, अच्छा खासा पैसा यहाँ पर जो हमारे साथ काम करते हैं उनका भी बना है, ठीक है, हमने खुद यहाँ पर ट्रेडिंग करी है, बट मेरे पास अभी फिलहाल की डेट में नहीं है, बट हाँ आगे चल के दिखाई देगा कुछ तो डेफिनेटली लेंगे। बाकी हम बात करें और चीजों की, तो देखिए आज एक नेगेटिव कैंडल बनती हुई नजर आई है, बट ये कैंडल बनी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर गिरे गई, मुझे लगता है थोड़ी बहुत नीचे आ भी सकता है, 89 तक आ सकता है, और शायद बहुत ज्यादा रन अप हुआ है तो शायद ये अभी थोड़ा सा रुक सकता है, ठहरेगा 75 के आसपास ये शेयर फिर आता हुआ दिखाई देगा, अगर इस रेंज में ये शेयर आता है 75 तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी इस पर्टिकुलर शेयर को खरीदने की, बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, खुद की स्टडी करके और अपने चीजों को सीख के ही आपको करना है, ऐसा नहीं कि मेरे कहने पर या किसी और के कहने पर आपको यहाँ पर कुछ करना है। अभी बिल्कुल टॉप पर चल रहा है शेयर, तो अभी चढ़ के लेने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसा करते भी हो तो याद रखिएगा रिस्क होगी, तो इसलिए रिस्क को मैनेज करना है, स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। स्टॉप लॉस कितना बनेगा, अगर आप खरीदते भी हो तो 93 के आसपास का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, एक 3-4 रुपए का यहाँ पर रिस्क है। बट टारगेट की बात करें तो मुझे क्या लगता है वो भी मैं बता देता हूँ, कभी ये शेयर ईयर 2000 में, मतलब बात करें 2000 के आसपास ये शेयर हुआ करता था, लगभग 200 रुपए के आसपास का, ठीक है, 216 रुपए, तो यहाँ से यहाँ तक भी अभी आप देखोगे तो 100% से ज्यादा की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नजर आती है। क्या एक साथ अचीव हो जाएगी, नहीं बिल्कुल भी नहीं, टाइम लगेगा, ठीक है, कंपनी को हमें बार बार प्रूफ करना पड़ेगा, कंपनी को नंबर्स यहाँ पर दिखाने होंगे, उसके बाद ही यहाँ पर वो टारगेट अचीव होंगे, अदरवाइज ये क्या होगा, शेयर अच्छा खासा मूव कर चुका है तो यहाँ पर टाई टाई फेस होती हुई नजर आई, कुछ चीजें नीचे आती हुई दिखाई दे सकती है, तो इसलिए थोड़ा सा शांति के साथ समझदारी के साथ काम करना है, जल्दबाजी दिखानी नहीं है, पैसा बनाने से ज्यादा पैसे को सेव करना बहुत जरूरी है, पैसों को सेव करोगे धीरे धीरे पैसा अपने आप बढ़ता जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी वेल्थ कब कब में क्रिएट होगी, तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन करें, जितना हो सके हमारे चैनल को प्यार देने की कोशिश करें, और इन नंबरों को नोट करके सीख सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, साथ में हमारे साथ काम करना है तो इन नंबरों पर कॉन्टेक्ट करके काम भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।